नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन और हमारे खास प्रोग्राम द गैजेट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं आपके लिए इस हफ्ते के कुछ खास गैजेट्स जो आपके काम को और आसान करने के साथ साथ काफी सहूलियत आपको देंगे। तो क्या है आज के गैजेट्स के पिटारे में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे फोन की जिसे लेने के बाद आपको पावर बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूले पावर आर्मर 13 स्मार्टफोन की, जो 13,200 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है, जिसे एक बार चार्ज करने पर पूरे 5 दिन चलता है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी यूले फोन ने अपना नया स्मार्टफोन पावर आर्मर 13 लॉन्च किया है। इस फोन में 13,200 mAh की दमदार बैटरी है। ये किसी भी स्मार्टफोन में मिलने वाली सबसे ज्यादा पावरफुल बैटरी है। कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज के बाद फोन को 5 दिन तक यूज कर पाएंगे। फोन में मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर के साथ 1 TB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी दिया है। यूले फोन पावर आर्मर 13 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। इस फोन में पावर बैंक के जैसी बैटरी दी है, जिसके चलते इसकी मोटाई 20.8 mm है। इसमें 5 होल कटआउट डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप किया गया है। इसमें 6.81 इंच IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है। ये स्मार्टफोन वाटर शॉक और डस्ट रेजिस्टेंट सर्टिफाइड है। फोन में 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेट किया गया है। इसके साथ फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल माइक्रो स्नैपर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G के साथ डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, NFC टाइप सी पोर्ट दिया है। फोन में मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम मिलेगी। वहीं इसका ऑनबोर्ड स्टोरेज 256 GB है। फोन 1 TB मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करता है। ये एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसमें 13,200 mAh की बैटरी है, जो 33 वोल्ट की वायर्ड और 15 वोल्ट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यूले फोन पावर अलार्म 13 की कीमत। चीन में इस फोन की बिक्री शुरू हो चुकी है। लॉन्चिंग ऑफर के चलते 2 अगस्त तक इस फोन को $300 यानी करीब 22,280 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं 2 अगस्त के बाद इसकी कीमत $500 हो सकती है। हालांकि इस फोन की भारत लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। एक रफ एंड टफ स्मार्टफोन के बाद हम बात करेंगे अर्बन की न्यू स्मार्ट वॉच की, जिसमें हैवी परफॉर्मेंस के लिए रियलटेक चिपसेट और मजबूती के लिए जिंक अलॉय डायल दिया है। साथ ही इसमें बिल्ट इन नंबर गेम भी दिए गए हैं। डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इनबेस ने भारतीय बाजार में नई अर्बन प्ले स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। ये वॉच हाई परफॉर्मेंस रियलटेक चिपलेस से लेस है। वॉच को स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है। वहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जिम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है। ये कम्प्लीट वाटर प्रूफ है, यानी बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर पाएंगे। कंपनी ने इसकी कीमत ₹3,999 तय की है। अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले मिलेगा। अर्बन प्ले वॉच में 1.3 इंच का फुल टच अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजोल्यूशन 360x360 पिक्सल है। स्क्रीन के चारों तरफ रेड थीम वाला डायल दिया है, जिसमें वॉच का लुक काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ये वॉच IPX68 रेटिंग के साथ आती है, यानी इसे बारिश, स्विमिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एडवांस्ड ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी मिलेगी। वॉच में ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे इसे किसी भी एंड्रॉइड और iOS डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार स्मार्टफोन या टैबलेट में कनेक्ट करने के बाद म्यूजिक कैमरे को आप वॉच से ही कंट्रोल कर पाएंगे। वॉच में एक होम बटन भी दिया है, जिसमें 7 स्पोर्ट्स मोड दिए हैं। वहीं डायरेक्ट USB चार्जिंग भी दी है। वॉच में ही मिलेंगे सभी नोटिफिकेशन।
वॉच पर मिलने वाले नोटिफिकेशन जैसे मैसेज, स्टेटस अपडेट या फिर कॉल आने पर ये वाइब्रेट होती है, जिससे नोटिफिकेशन का पता चल जाता है। कंपनी का कहना है कि इसमें जो बैटरी दी गई है वो सिंगल चार्ज पर 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम और 7 दिन का फुल यूज बैकअप देती है। 10 मीटर गहरे पानी में भी यूज कर पाएंगे। वॉच में आपको कई सारे हेल्थ ट्रैकर मिलते हैं, जिसमें हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन शामिल है। वॉच की मदद से आप मौसम के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इस वॉच को आप 10 मीटर गहरे पानी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और तो और, कम पानी पीने वालों के लिए ये वॉच काफी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि ये वॉच आपको पानी पीने के लिए भी याद दिलाती है। वॉच में नंबर्स गेम भी मिलेगा। अर्बन प्ले स्मार्ट वॉच में आपको बिल्ट इन नंबर गेम भी मिलता है, यानी वॉच आपको एंगेज भी रखेगी। वॉच की फ्रेम मेटल की है, वहीं इसकी स्ट्रैप 20 मिलीमीटर की मोटी है, जो सिलिकॉन का बना हुआ है। इसे रेड और ब्लैक कलर के स्ट्रैप के साथ खरीद सकते हैं। तो ये तो थी स्मार्ट वॉच के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, लेकिन इसके अलावा गैजेट्स के पिटारे में कुछ स्मार्टफोन्स भी हैं, जो इसी महीने लॉन्च हुए हैं। सैमसंग, मोटोरोला ने इन्फिनिक्स तक अगले महीने कुछ और स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें बजट फोन भी शामिल हैं। अगस्त महीना नेक्स्ट जनरेशन वाले प्रीमियर स्मार्टफोन का हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैमसंग इसी महीने फोल्डेबल फोन को लॉन्च करने वाला है। यही नहीं, अगस्त महीने में ही बजट फोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A की लॉन्चिंग भी होगी। साथ ही मोटोरोला S12 जैसे प्रीमियम फोन की लॉन्चिंग की भी उम्मीद है। लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन और उनके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला S20 की। ये फोन यूरोप में लॉन्च हो चुका है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये फोन भारत में लॉन्च हो सकता है। बात कीमत की करें तो इसके 8GB और 128GB वेरिएंट की कीमत 499 यूरो यानी करीब 44,100 रुपए है। इसे मोटोरोला का प्रीमियम फोन कह सकते हैं। फोन में बैटरी 4500 mAh की है। मोटोरोला के बाद सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 3 भी मार्केट में आ सकता है। इसका डिस्प्ले पिछले मॉडल से थोड़ा छोटा होगा। स्क्रीन खुलने के बाद 7.5 इंच की हो जाएगी। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। आर्मर फ्रेम आने से फोन ज्यादा मजबूत होगा। इसके बाद एस पेन सपोर्ट मिल सकता है। माना जा रहा है कि इसे 3 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी लॉन्चिंग में थोड़ा वक्त है। सैमसंग गैलेक्सी Z क्लिप 3 ये 11 अगस्त को सैमसंग के इवेंट में 11 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। इसमें प्राइमरी डिस्प्ले 6.9 इंच और 1.9 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले होगा। फोन की कीमत करीब 1,50,000 रुपए हो सकती है। इस महीने भले ही कुछ किफायती और स्मार्टफोन लॉन्च हुए हो, लेकिन इसके अलावा नोकिया का सबसे महंगा फोन भी लॉन्च हुआ है, जिसमें मिलिट्री के प्रोडक्ट वाली मजबूती मिलेगी। साथ ही ये डस्ट और वाटरप्रूफ भी होगा। नोकिया ने ग्लोबल मार्केट में नया 5G स्मार्ट नोकिया XR20 लॉन्च कर दिया है, जहां कंपनी का दावा है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड मजबूती दी गई है। फोन 1.8 मीटर तक की ऊंचाई से भी गिर जाए तो इसमें तब भी कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि ये नोकिया का प्रीमियम फोन होगा। नोकिया XR12 की कीमत। नोकिया XR12 स्मार्टफोन को 2 रंगों अल्ट्रा ब्लू और ग्रेनाइट ग्रे में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत $550 यानी लगभग 41,000 रुपए है और फोन की बिक्री 24 अगस्त से होगी। लेकिन कंपनी ने नए नोकिया फोन की भारत में लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। फोन के स्पेसिफिकेशन। इसमें पंच होल डिजाइन होने से कैमरा और डिस्प्ले की जगह नहीं लेगा और स्क्रीन की साइज बड़ी लगेगी। फिंगरप्रिंट साइड में पावर बटन की जगह पर मिलेगा। साथ ही बैक कैमरा स्क्वायर शेप में डुअल कैमरा यूनिट मिलेगा। डिवाइस में 6.67 इंच फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है। इसमें 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। इससे डेलाइट में भी फोटोग्राफी और गेमिंग का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास विक्टर का प्रोटेक्शन भी मिलता है। डुअल रियल कैमरे से लेस इस फोन में 48 मेगापिक्सल का मेन
और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। वही सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। प्रोसेसर के मामले में भी ये फोन बढ़िया है। इसमें स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट दिया गया है, साथ ही 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। बैटरी की कैपेसिटी 4630 mAh की है, जो 18 वोल्ट वाइल्ड और 15 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी ये वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। फोन में स्टीरियो स्पीकर और साइड माउंटिंग फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फोन एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और कंपनी इस पर 4 साल तक मंथली सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल तक OS अपडेट देगी। नोकिया के रफ एंड टफ फोन के बाद बात करेंगे PS5 बुकिंग की। अब आप मोबाइल और टीवी पर भी प्लेस्टेशन के गेम खेल सकते हैं। डुअल सेंस कंट्रोल और 3D वायरलेस हेडसेट से एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के बाद गेम यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस बीच गेमिंग लवर के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल सोनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्लेस्टेशन 5 को अब प्री ऑर्डर कर दिया है। सोनी ने PS5 की प्री ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर लिस्टेड किया है। Amazon इंडिया, गेम्स द शॉप और विजय सेल्स को जैसे प्लेटफॉर्म से भी इसे खरीद सकते हैं। भारत में इस गेम का ये 6वां स्टॉक होगा। इसके कंसोल की कीमत 49,990 रुपए है, जबकि डिजिटल एडिशन की कीमत 49,990 रुपए बताई गई है। PS5 में वीडियो और वर्चुअल गेम खेल सकते हैं। PS5 सोनी कंपनी का गेम प्लेइंग हार्डवेयर है। इसकी मदद से प्लेस्टेशन स्टोर पर मौजूद गेम को खेल सकते हैं। इसकी एसेसरीज में डुअल सेंस कंट्रोलर और इसको चार्ज करने के लिए डुअल सेंस चार्जिंग स्टेशन प्लेटफॉर्म, प्लेस्टेशन HD कैमरा, पल्स 3D वायरलेस हैंडसेट, मीडिया रिमोट जैसे हार्डवेयर शामिल होते हैं। PS5 के सेटअप को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। PS5 का वीडियो गेम कंसोल बड़े साइज का होता है, जो लगभग 39 सेंटीमीटर लंबा, 26 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें क्लिप ऑन स्टैंड मिलता है, जिसे किसी टेबल या सेल्फ पर रख सकते हैं। कंसोल को HDMI केबल से टीवी कनेक्ट कर सकते हैं। PS5 चालू करने के लिए कंसोल पर ही दिए गए पावर बटन को ऑन करना पड़ता है, फिर PS5 को डुअल सेंस कंट्रोलर से प्लग इन करना और प्लेस्टेशन बटन को हिट करने का कमांड मिलता है। अब अपनी पसंदीदा भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। सेटअप होने के बाद यदि आप गेम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो PS5 आपको गेम डिस्क में एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। इसके बाद गेम डिस्क इंस्टॉल करने और एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन में से एक को ले सकते हैं। इसके बाद रेस्ट मोड स्क्रीन के लिए पावर ऑप्शन चुनना होगा। इस ऑप्शन के बाद PS5 नए अपडेट करना शुरू कर देगा। इसके बाद PS5 फिर से चालू हो जाएगा। फिर कंसोल आपको अपने प्लेस्टेशन नेटवर्क पर ईमेल और पासवर्ड से साइन इन करने या आउटपुट अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन पर भी किया जा सकता है। इसके लिए QR कोड को स्कैन करने का भी ऑप्शन मिलता है। इस तरह आप गेम डाउनलोड करके उन्हें खेलना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गई गैजेट्स की बातें, लेकिन कई बार इसमें कुछ गैजेट्स आपकी लाइफ को आसान बनाने की बजाय मुसीबत में भी डाल देते हैं। आजकल आपके डेटा को चुराने और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच टेलीग्राम के फाउंडर का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक एंड्रॉयड और एप्पल है। साथ ही उन्होंने मोबाइल ऑपरेटिंग मार्केटिंग में कॉम्पिटिशन बढ़ाने की भी सलाह दी है। टेलीग्राम के फाउंडर पावेल ड्यूरोव का कहना है कि वो 2011 से रूस में रह रहे हैं, तभी से उन्हें निगरानी में रहने की आदत हो गई है। इसी वजह से जब उन्हें पता चला कि पेगासस स्पाईवेयर से उनकी जासूसी की जा रही है, तो ये खबर सुनकर उन्हें किसी तरह की हैरानी नहीं हुई। ड्यूरोव ने कहा कि उन्हें ये बात पहले से ही पता थी कि उनकी जासूसी 2018 की जा रही है। उनका कहना है कि एंड्रॉइड और एप्पल पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए सरकार की बात मान लेते हैं और उन्हें लोगों का डेटा दे देते हैं।
पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक है एंड्रॉइड और आईओएस। इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि वो गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों के बारे में क्या सोचते हैं। उनका कहना है कि एंड्रॉइड और आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने पेगासस सिर्फ जासूसी का एक नमूना है। उनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म सरकार के आगे घुटने टेक देते हैं और इससे यूजर की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होने देते हैं और सरकार यूजर्स के डेटा का अपने फायदे के लिए मन मुताबिक इस्तेमाल करती है। एंड्रॉइड या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों के लिए मजबूरी। टेक्नोलॉजी के आने से लोगों के काम आसान हुए हैं, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनसे यूजर्स को प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यूजर्स को पता होता है कि एंड्रॉइड या आईओएस से प्राइवेसी को खतरा है, फिर भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चुनना पड़ेगा क्योंकि इनके अलावा दूसरे सिस्टम तो बने ही नहीं है, इसलिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कॉम्पिटिशन से मिलेंगे कई ऑप्शन। ड्यूरोप का कहना है कि वो इस मार्केट में भी कॉम्पिटिशन चाहते हैं ताकि लोगों को कई ऑप्शन मिल सके और प्राइवेसी से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम से दूरी बनाई जा सके। ड्यूरोप पहले भी एप्पल और गूगल की आलोचना कर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने बेचे गए सभी डिजिटल सामानों पर 30% सेल्स टैक्स लगाने के लिए कंपनियों को फटकार लगाई थी। एप्पल और गूगल सभी प्रोडक्ट पर 30% का सेल्स टैक्स लेते हैं। आपको बता दें कि एप्पल और गूगल दुनिया की हर मोबाइल फोन पर और साथ ही जिन डिजिटल प्रोडक्ट पर इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है उन पर 30% का सेल्स टैक्स लेते हैं, जिससे यूजर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। मार्केट को रेगुलेट करने वाले भी 10 साल मनमाने टैक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बीच कई एप्स पर डाटा को चुराने और उसे दूसरी कंपनियों को बेचने के आरोप लगे हैं। वहीं जूम को प्राइवेसी के मसले पर बड़ा झटका लगा। कंपनी को अमेरिका में अपने यूजर्स के क्लेम सेटलमेंट करने के लिए 632 करोड़ रुपए देने होंगे, जहां हर पेड सब्सक्राइबर को $25 का हर्जाना मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को प्राइवेसी मसले पर बड़ा झटका लगा है। कंपनी को अमेरिका में अपने सब्सक्राइबर को $85 मिलियन यानी 632 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। सेफ्टी के बारे में गुमराह करने और हैकिंग अटैक रोकने में नाकाम रहा है जूम। एक कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक जूम वीडियो कम्युनिकेशन इंक पर अपने यूजर के इंस्क्रिप्शन सुरक्षा के बारे में गुमराह करने, फेसबुक के साथ अनुचित तरीके से डेटा शेयर करने और प्राइवेट मीटिंग को जूम बम्बिंग के रूप में होने वाले हैकिंग अटैक को रोक पाने में नाकाम रहने का आरोप है। पेड सब्सक्राइबर को देना होगा $25। सेटलमेंट के रूप में जूम के पेड सब्सक्राइबर को $25 और नॉन पेड सब्सक्राइबर को $15 देने की बात सामने आई है, जिसे सैन लुइस कैलिफोर्निया की जज लूसी कोह के अप्रूवल की जरूरत होगी। कंपनी को प्राइवेसी प्रोटेक्शन में सुधार करने की जरूरत कहा गया है। अमेज़न पर लगा 6,545 करोड़ रुपए का जुर्माना। इससे पहले ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर लक्समबर्ग अथॉरिटी ने 88 करोड़ रुपए यानी 6,54 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कंपनी पर यूरोपियन यूनियन डेटा प्रोटेक्शन रूल तोड़ने का आरोप लगा था। लक्समबर्ग नेशनल कमीशन ने 16 जुलाई को अमेज़न पर जुर्माना लगाया था। सिक्योरिटीज फाइलिंग में अमेज़न ने इसकी जानकारी दी है। तो ये तो थे आज के गैजेट्स जो आपकी लाइफ को आसान तो बनाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, जिससे यूजर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। आज आपको गैजेट्स के साथ साथ उनसे जुड़ी जानकारियां भी दी जो आपके काम आने वाली है। तो जो भी आप यूज करते हो उसे सही तरीके से यूज किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे आपके सामने कोई भी मुसीबत खड़ी ना हो जाए। आज के गैजेट्स के पिटारे में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ गैजेट्स और प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए MKN। नमस्कार।